अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ। किस तरीके से बनती है, कुंडे वाली टिक्कियाँ भी इसको बोलते हैं, मीठी टिक्कियाँ भी बोलते हैं। बहुत ही मज़े की और असल हलवाइयों वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, कुंडे वाली मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 600 ग्राम मैंने ली है दोस्तों चीनी, मोटी दानेदार चीनी। 1 kg मैदा, नॉर्मल मैदा है ये। बेकिंग पाउडर चाहिए होगा इसके लिए हमें। सूजी, तिल चाहिए होंगे सफ़ेद, डिस्कैटेड कोकोनट। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो, देसी घी में मैं बना रहा हूँ, देसी घी चाहिए होगा और फ्रेश मिल्क। तो सबसे पहले एक कढ़ाई रखेंगे, इसके अंदर 600 ग्राम चीनी शामिल कर देते हैं और दूध शामिल करेंगे इसमें 300 ग्राम। तिल शामिल करेंगे 1/2 कप, थोड़े से बचा लूँगा मैं, बाद में चाहिए होंगे। 1 कप पिसा हुआ खोपरा और 300 ग्राम ही दोस्तों इसमें मैं देसी घी शामिल कर रहा हूँ। बेकिंग पाउडर 2 टेबल स्पून ये शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, चीनी का हल्का हल्का सा दाना इसके अंदर रहना चाहिए। वही दाना टिक्कियों के ऊपर, थोड़े से टिक्कियाँ फट जाती हैं, खस्ता हो जाती हैं, बिल्कुल आपने दाने को मेल्ड नहीं करना है। तो आधी चीनी जो है उसको मेल्ड करेंगे और 1 kg मैदा, इसकी एक डो बनानी है। तो मैंने दूध थोड़ा सा कम डाला है, बाकी मैं बाद में देख के। और सूजी दोस्तों मैदे के साथ आपने शामिल करनी है, पहले सूजी को भिगोना नहीं है, ये बात याद रखिएगा, वरना ये जो आपकी डो है वो चीड़ी हो जाएगी और सही कटिंग में भी नहीं आएगी। तो थोड़ा सा दूध मुझे कम लग रहा है, तो थोड़ा सा मैं छीटा और मैं दूध का लगा रहा हूँ ताकि डो हमारी सही बने। तो दोस्तों टिक्कियाँ बनाने की जो डो है वो आपने सख्त रखनी है, थोड़ी हार्ड रखनी है, नरम इसकी डो नहीं होनी चाहिए, वरना तो ये चिड़ी हो जाती है। इसकी जो डो है वो सही आपसे बिलेगी भी नहीं और जब आप इसको कटिंग करेंगे तो ये छोटी होती रहेगी, जब आप इसको बेल के काटेंगे तो ये छोटी हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ी सी इसको जान में रखना है, सख्त रखना है। तो डो हमारी रेडी हो चुकी है, मैं आपको थोड़ा दिखा भी दूँ। तो देखें इतनी थोड़ी सख्त होनी चाहिए, रोटियों के आटे की तरह बिल्कुल भी इसकी डो नहीं बनेगी। तो अब इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो मेरे पास कमर्शियल टेबल है, बड़ा टेबल है, तो मैं एक ही इसका पेड़ा बनाऊंगा और अच्छे से डस्टिंग करेंगे नीचे। तो डस्टिंग भी दोस्तों मैं मैदे से ही कर रहा हूँ, थोड़ा हाथ से प्रेस करके हल्का सा मैदा इसके ऊपर लगाएंगे। और पतली टिक्कियाँ बेलनी है आपने, ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी। ज़्यादा मोटी जो दोस्तों टिक्कियाँ बनती हैं वो अंदर से कच्ची रह जाती हैं, उसके बीच में जो मैदा है वो सही पकता नहीं है और खस्ता और करारी भी नहीं बन पाती। तो ये भी याद रखिएगा, ज़्यादा आपने इसको मोटा नहीं करना, थोड़ी पतली टिक्कियाँ रखिएगा। मैं अब आपको एक पीस कटिंग करके दिखा भी दूंगा, तो अच्छे से आप ध्यान से देख लें। एक गिलास लेंगे, तो जो डो मैंने तैयार की है ये थोड़ी खस्ता डो है। तो दोस्तों जितनी आपकी डो खस्ता होगी उतनी ही टिक्कियाँ आपकी खस्ता बनेंगी। तो आप देख सकते हैं इतनी आपने पतली रखनी है, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, इससे भी हो सके तो थोड़ी सी पतली कर लीजिएगा। गिलास से या किसी भी कटर से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। और जो दोस्तों इसकी जो वेस्टेज बच जाती है इसको फ़ौरन से ना बेला करें, थोड़ा सा इसको शॉपर में लपेट के गरमाइश वाली जगह पे रखा करें ताकि ये ढल जाए, सेट हो जाए। अक्सर आप लोग गलती करते हैं कि इसकी जो वेस्टेज होती है उसको फ़ौरन से बेलना शुरू कर देते हैं। तो बीच में मैं इसके सुराख करूंगा ताकि ये अंदर से कच्ची ना रहे, अच्छे से पक जाए। इस तरीके से होल बीच में करना ज़रूरी है। और इसको फ्राई किस आँच पे करना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, कितने टम्परेचर पे करना है, वो बहुत ही अहम स्टेप है, उसको आपने मिस नहीं करना। तो इस तरीके से सबको इकट्ठी कर लेते हैं और ऑयल हमारा गर्म है। तो दोस्तों घी में फ्राई करूंगा मैं, ऑयल के अंदर टिक्कियां नहीं फ्राई करता, तो मैं भी आपसे कहूंगा कि घी में फ्राई किया करें। और इसका जो टेम्परेचर है घी का वो आप अच्छी तरह देख लें, देखें इससे ज़्यादा नहीं इसमें बबल्स आने चाहिए घी के अंदर, वरना होगा ये कि ये ऊपर से पक जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी और खस्ता भी नहीं बनेगी और करारी भी नहीं बनेगी। तो ये याद रखिएगा इस तरीके से, इससे ज़्यादा टेम्परेचर आपका नहीं होना चाहिए।
तमाम की तमाम इसके अंदर इसी तरीके से डाल देंगे। जो दोस्त और मेरी बहनें चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दिया करें। यही वो इनाम है जो आपकी तरफ से हमें मिलता है और हमारा हौसला बढ़ता है और ताकि अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का दिल करता है। तो टिक्कियाँ दोस्तों तमाम की तमाम ऊपर आ चुकी हैं, बस थोड़ी सी चार पांच रह चुकी हैं। तो जब ये ऊपर आ जाएंगी तो आपने जो आँच है उसको थोड़ा सा तेज़ करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, मीडियम कर देना है आँच को आपने। तो जैसे जैसे ये ऊपर आ रही है मैं थोड़ी सी आँच भी मैंने तेज़ कर दी है और 7 से 8 मिनट के अंदर टिक्कियाँ दोनों साइड से तकरीबन फ्राई हो जाती हैं। और टिक्कियाँ फ्राई करने के लिए आप कोशिश करें कि इसी तरह की कढ़ाई ले लें जो खुली हो। तो जब ये हल्की सी एक साइड से सिक जाएंगी तो मैं इनको पलट दूंगा। तमाम ऊपर आ चुकी हैं टिक्कियाँ, तो एक को पलट के देखेंगे, अगर जो ये थोड़ी सी हल्की सी एक साइड से लाल हो जाएगी फिर उसकी साइड चेंज करेंगे इस तरीके से। तो नीचे से थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी हैं, अब इसकी साइड को चेंज कर देते हैं। दोनों साइड से आपने कलर जो है वो अपनी मर्ज़ी का आप रख सकते हैं। अगर जो आपको ज़्यादा कड़क करनी हो, ज़्यादा क्रंची करनी हो तो आप इसको थोड़ी सी और ज़्यादा लाल कर लें, मगर मैं इसका जो कलर है वो दरमियाना रखूँगा, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा हल्का। और मैं फिर दोस्तों आपको बता रहा हूँ, आँच आपने इसके नीचे तेज़ नहीं करनी, इसको मीडियम आँच पर फ्राई किया करें। और घी का जो टेम्परेचर था वो मैंने आपको दिखा दिया था। और रेसिपी के बारे में कोई बात आपको समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप वहां से जाके मुझसे रेसिपी के बारे में वॉइस मैसेज के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको गाइड करूंगा। तो कलर जो है थोड़ा सा भी इसका हल्का है, थोड़ा सा मैं इसको और फ्राई करूँगा। और फ्राई की वीडियो मैंने थोड़ी कम स्किप की है, कम काटी है, ताकि आपको बता दूं, ताकि आपको पता चल जाए कि फ्राई काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है टिक्कियाँ की। अक्सर आप डो सही बना लेते हैं मगर फ्राई के अंदर आगे गलती कर जाते हैं, उसको तेज़ आंच पे फ्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से टिक्कियाँ ऊपर से पक जाती हैं अंदर से कच्ची रह जाती हैं, या जो आपकी वेस्टेज होती है उसको आप फ़ौरन से दोबारा से उसको बेल के कटिंग कर देते हैं। तो उसको थोड़ा रेस्ट दिया करें वेस्टेज को, और गर्माइश वाली जगह पर रखा करें। तो देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है। और गरम गरम टिक्कियों पे दोस्तों ज़रा ज़रा से अगर जो आप तिल इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो तिल जो है वो चिपक जाएंगे। तो मैं हमेशा जब भी टिक्कियाँ बनाता हूँ गरम गरम जो टिक्कियाँ होती हैं उसके ऊपर तिल अप्लाई करता हूँ ताकि चिपक जाएँ, ये नीचे भी ना गिरें। तो माशाल्लाह से ये सारी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं हमारी, कलर आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त परफेक्ट कलर आया है। तो जैसे ये ठंडी होगी मैं एक पीस आपको तोड़ के भी दिखाऊंगा आप और आपको दिखा देते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अंदर इसके जाल भी है, अंदर से कच्ची भी नहीं है, बिल्कुल सिकी हुई है। बस आपने जब इसको बेलना है दोस्तों तो ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ। तो टिक्कियों की रेसिपी हमारी रेडी है, तैयार हो चुकी हैं। तो दोस्तों रेसिपी वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।